हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेदवी के बाद युवक की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में बेदवी की घटना के अगले दिन कपूरथला के गांव निजामपुर में रविवार को पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को श्री निशान साहिब की बेदवी के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर कमरे में घुसी भीड़ ने युवक को बाहर निकाला और मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब पंजाब में कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारे में बेदवी के शक में भीड़ के हाथों मारे गए युवक का एक वीडियो सामने आया है। इसमें युवक उन्हीं कपड़ों में नजर आ रहा है जो उसने गुरुद्वारे में पहन रखे थे। ये वीडियो इससे एक दिन पहले यानी शनिवार का है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर के अंदर बेदवी का मामला अभी गर्म ही था कि उससे अगले दिन ही कपूरथला के गांव निजामपुर में पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को श्री निशान साहिब की बेदवी के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद उस युवक का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। युवक ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने घटना के दिन पहने हुए थे। युवक ने लाल रंग की स्वेटर नुमा टी शर्ट और ग्रे कलर का पजामा पहना हुआ है और कंधे पर थैला डाल रखा है। कमर में भी कुछ कपड़े बांध रखे हैं। उसने दोनों पैरों में घुंघरू बांधे हैं और हाथ में बागवानी में इस्तेमाल होने वाली खुरपी ले रखी है। युवक का ये वीडियो शनिवार को बनाया गया था। उस वक्त वो कपूरथला के आउटर एरिया में कांजली रोड स्थित एक जिम के बाहर मौजूद था। जिम में एक्सरसाइज करने आई एक महिला ने जिम संचालक की मौजूदगी में अपने मोबाइल से वीडियो शूट किया। जिम मालिक हरविंदर सिंह ने इस वीडियो की पुष्टि की है। हरविंदर सिंह के अनुसार देखने में वो मंद बुद्धि बच्चा लग रहा था और शनिवार सुबह तकरीबन 8 बजे उनके जिम के पास घूम रहा था। इस वीडियो में महिला उस युवक से पूछती है कि क्या वो कृष्ण बना है, तो वो इधर उधर देखता है और फिर शर्माते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। युवक के भेष और हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो मंद बुद्धि है। ऐसा भी लगता है कि शायद वो सही तरह से बोल नहीं पाता। हरविंदर सिंह ने बताया कि रविवार सुबह जब निजामपुरा गुरुद्वारे में बेदवी के आरोप में पकड़े गए युवक की पिटाई और हत्या के पहले कमरे में उससे पूछताछ के वीडियो सामने आए तो वो चौंक गए, जिसके बाद उन्होंने उस महिला को फोन करके वीडियो मंगवाया और पिटाई वाले वीडियो से मिलाकर देखा तो वही युवक लगा। इसके बाद उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया वीडियो पुलिस अधिकारियों को भी भेज दिया। कपूरथला के SSP हर कमलप्रीत सिंह खक ने बताया कि वीडियो उनके पास भी पहुंचा है। पहली नजर में ये वीडियो उस युवक का लगता है जिसे निजामपुर गुरुद्वारा में मार दिया गया। वीडियो को ऑन रिकॉर्ड लाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। जिन्होंने वीडियो शूट किया है उससे भी मदद ली जाएगी। वहीं पुलिस सुबह कांजली रोड पर लगे CCTV भी चेक करेगी। SSP ने कहा कि ये वीडियो सही निकला तो युवक को मारने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।